नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जी हाँ भाई और बहनों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर ABP न्यूज, टाइम्स नाउ और फलोदी सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र की 288 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। मैं आपको एक एक सीट के बारे में बताऊंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों अब की बार एकनाथ गुट और BJP को हार का मुंह देखना पड़ जाएगा। बताऊंगा एक एक सीट के बारे में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। दोस्तों MVA गठबंधन की ओर से जीत हासिल होती नजर आ रही है अब की बार। तो बात करें सीट मुंबई की, तो यहाँ पर कुल 26 सीटें, तो 26 में से BJP और एकनाथ गुट को 11 सीटें, इनके गठबंधन को और MVA महागठबंधन को 15 सीटें को आकलन होता दिखाई दे रहा है। रायगढ़ की कुल 7 सीटों पे बात करें तो 7 में से 2 BJP को और MVA गठबंधन को 5 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करें अगली सीट नागपुर की, तो यहाँ पर कुल 12 सीटें हैं, 12 में से BJP और एकनाथ गुट को 7 सीटें और MVA महागठबंधन को 5 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है। बात करें अगली सीट वर्धा जिला की, तो यहाँ पर कुल 4 सीटें, 4 में से BJP और एकनाथ गुट को 1 सीट, MVA महागठबंधन को 3 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है। तो बात करें सांगली जिला की, तो यहाँ पर कुल दोस्तों 8 सीटें हैं, तो 8 में से 4 BJP और एकनाथ गुट्टे को और 4 सीटें MVA महागठबंधन को दिखाई दे रही है अब की बार। और पुणे जिले की कुल 21 सीटों पे बात करें तो 10 सीटें BJP और एकनाथ गुट को और MVA महागठबंधन को 11 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है अब की बार। तो जी हाँ भाई और बहनों, बात करें अगली सीट पालघर जिला की, कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से 2 BJP और एकनाथ गुट को और 2 ही MVA महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है अब की बार। तो बात करें अगली सीट नाड़ेद जिला की, तो यहाँ पर कुल 9 सीटें हैं, 9 में से 4 BJP और एकनाथ गुट को और 5 सीटें MVA महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करें अगली सीट वासीम जिला की, तो यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं, 3 में से 1 BJP और एकनाथ गुट को और 2 MVA महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करें अगली सीट यवतमाला जिला की, तो यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं, 7 में से 2 BJP और एकनाथ गुट को और 5 MVA महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है अब की बार। बात करें दोस्तों अगली सीट सतारा जिला की, तो यहाँ पर कुल 8 सीटें, तो 8 में से 3 BJP को और 5 MVA महागठबंधन को मिलती है नजर आ रही है दोस्तों अब की बार। वहीं दोस्तों बात करें अगली सीट अकोला जिला की, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें, 5 में से 2 BJP और एकनाथ गुट को और 3 MVA महागठबंधन की 3 सीटों को मिलता नजर आ रहा है अब की बार। बात करें अगली सीट वासिम जिला की, तो यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं, 3 में से 1 BJP और एकनाथ गुट को और 2 सीटें MVA महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है अब की बार रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों बात करें अगली सीट उस्मानाबाद जिला की, तो यहाँ पर कुल 4 सीटें, तो 4 में से दोस्तों 1 BJP और एकनाथ गुट को और 3 MVA महागठबंधन को मिलती अब की बार नजर आ रही है। बात करें अगली सीट नासिक जिला की, तो यहाँ पर कुल 15 सीटें, तो 15 में से 6 BJP और एकनाथ गुट को और 9 MVA महागठबंधन को मिलती अब की बार नजर आ रही है दोस्तों। बात करें अगली सीट अहमदनगर की, तो यहाँ पर कुल 12 सीटें, तो 12 में से 5 BJP और एकनाथ गुट को और 7 सीटें MVA महागठबंधन को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। तो बात करें अगली सीट नसूरबाद की, कुल 4 सीटों पर, तो 1 BJP को और 3 MVA महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है आज तक और KDX न्यूज ओपिनियन सर्वे के अनुसार। तो बात करें दोस्तों अगली सीट कोल्हापुर की, कुल 10 सीटों पर, तो यहाँ पर 4 BJP के गठबंधन को और 5 शिवसेना महागठबंधन को 5 सीट और अन्य को 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। तो बात करें अगली सीट गोंदिया की, कुल 4 सीटों पर, तो यहाँ पर BJP महागठबंधन को 2 सीट और शिव महागठबंधन को भी 2 सीट और अन्य सीट को 0 हासिल होता नजर आ रहा है अब की बार। तो बात करें अगली सीट भिंड की, कुल 6 सीटों पर, तो यहाँ पर
दो सीट बीजेपी महागठबंधन को, 3 सीट शिव महागठबंधन को और 1 सीट अन्य सीट को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। तो बात करें अगली सीट अमरावती की, कुल 8 सीटों पर, तो यहाँ पर शिवसेना महागठबंधन को 5 सीटें, बीजेपी के महागठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है। वासीम की कुल 3 सीटों पर बात करें तो तीनों को समांतर बीजेपी महागठबंधन को 1 सीट, एमवीए महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।